Dear students of class 12th, English grammar, and the students and aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 6 Hindi version lecture in which we have a topic idioms. अपने प्रीवियस लेक्चर्स की तरह से इस लेक्चर में जिसमें हम ईडियम्स को आज फिर स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसमें जो ईडियम्स कलेक्ट किए गए हैं ये ईडियम्स एग्जामिनेशन के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस 50 ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन ईडियम्स का रेपिटिशन बहुत ज़्यादा बार हुआ है, इसलिए ये ईडियम्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ईडियम्स की ही बात नहीं बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर ईडियम को कैसे याद करें कि वह हमें एक लंबे समय के लिए याद हो जाए। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑन आर दिस चैनल यू गेट सच रिलेटेड लेक्चर्स बेस्ड ऑन वोकेबलरी जो कि ईडियम्स और होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वेरियस टाइप्स ऑफ वोकैब के क्वेश्चंस और लेक्चर्स आप हमारे इस चैनल पर पाते हैं। तो इस तरह के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अगर ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ईडियम नंबर 1, फील द पल्स ऑफ। फील द पल्स ऑफ का मीनिंग होता है नो द ओपिनियन। फील द पल्स ऑफ का मतलब होता है नो द सिचुएशन, किसी स्थिति का जायज़ा लेना। ये ओपिनियन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है। अगर आप फील द पल्स ऑफ द पीपल जाने तो उनका ओपिनियन जानेंगे। अगर आप नेशन की स्थिति देखना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है अलग अलग फील्ड्स में। वो आपकी आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकती है। तो सबसे पहला है कि हमें इस ईडियम का क्या मीनिंग मिला है। तो हमें ईडियम का मीनिंग मिला है स्थिति का जायज़ा लेना, टू नो द रियल सिचुएशन, और सिचुएशन के अंदर ओपिनियन एक पार्ट है। तो फील द पल्स ऑफ, पल्स एक्चुअल में कहते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे जोड़ें इस फील द पल्स ऑफ ईडियम को जिसके अंदर 4 वर्ड्स हैं उसके मीनिंग नो द सिचुएशन से, नो द कंडीशन और ओपिनियन से। तो जब हम पल्स देखते हैं, पल्स का मतलब है नब्ज, जब हम मरीज़ की नब्ज देखते हैं तो हम उसकी तबीयत और उसकी बीमारी के बारे में पता करते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी नेशन की, किसी ऑफिस की, किसी सोसाइटी, विलेज या सिटी की पल्स को देखते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की क्या वर्तमान स्थिति है। तो जब आप किसी जगह की नब्ज टटोलते हैं, किसी की आप तबीयत जानते हैं, किसी की स्थिति को समझते हैं, तो उसे कहते हैं नो द ओपिनियन और नो द करेंट सिचुएशन। तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ हुआ है आर लीडर्स शुड फील द पल्स ऑफ द कंट्री एंड डू द नीडफुल, यानी हमारे लीडर्स को जो कंट्री की वास्तविक स्थिति को महसूस करना चाहिए और उसकी ज़रूरत के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। तो फील द पल्स ऑफ मीन्स टू नो द करेंट सिचुएशन। कॉल आई स्पेड जिसका मीनिंग है स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली का मीनिंग हमने यहाँ पाया। अब सबसे पहले हम ये जोड़ेंगे कि कॉल आई स्पेड को क्लियरली से कैसे कनेक्ट करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पेड का मतलब है बिल्कुल साफ साफ। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पेड फावड़े को भी कहते हैं। अगर आप अपनी बात ऐसे किसी के सामने कहते हो जैसे कि मानो आपने कोई खुरपा, कोई फावड़ा, कोई शावल उसके ऊपर चला दी हो तो वह बहुत ही हार्श और भद्दा लगता है। या आपके हाथ में मान लीजिए कोई टूल है और आप उसकी तरफ चला चला कर बात कर रहे हैं तो आपने अपने इमोशंस और एंगर तो उसको जाहिर कर दिए लेकिन वो थोड़ा सा रफ लगा। तो उस रफ कॉलिंग को ही आप स्पीक क्लियरली कहते हैं, यानी आप कहते हैं कि उसे बुरा लगे या भला लगे मैंने साफ साफ कह दिया। तो हमने कहा साफ साफ कह दिया, तो यहाँ साफ साफ का मतलब हुआ स्पेड आई स्पेड, यानी स्पीक क्लियरली। तो इसका यूजेज हुआ प्लीज डू नॉट बी साइलेंट, मतलब स्पीकर कह रहा है कि शांत मत होइए, बिल्कुल हर बात को साफ साफ कह दीजिए।
नेक्स्ट नंबर थ्री, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब है पनिश होना। अब ब्रिंग टू बुक को हम जोड़ेंगे कि पनिश से कैसे जोड़ा जा सकता है। किसी भी idiom का सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम उसके मीनिंग को याद करें। याद करने में हमें याद नहीं होने की वजह से ब्रिंग टू बुक जैसे ये किसी भी idiom को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, उसके मीनिंग के साथ। तो ब्रिंग और बुक दो वर्ड्स हैं यहाँ पर जिसको हमें पनिश से कनेक्ट करना है ताकि ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाए। तो याद रखिए कि याद रखिए कि पनिश जो होता है, तो पनिश का मतलब है दंडित करना। अब दंडित का मतलब यह नहीं है कि आप जो है केवल डंडा लेकर किसी को पीटने लगें। तो पनिश का मतलब क्या है, आप उस पर कोई जुर्माना, कोई आर्थिक दंड भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि पुलिस ने आपका जुर्माना, आपसे जुर्माना वसूला और आपका चालान काट दिया, या ऐसे कहें कि आपकी गाड़ी को रोका और आपकी एक रसीद बना दी, आपको एक रसीद हाथ में सौंप दी। तो इस तरह से आपके पास कोई हेलमेट नहीं था, आपके पास कोई पेपर नहीं थे, वट एवर, तो वो उन्होंने आपको बुक कर दिया। बुक करने का मतलब है रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने का मतलब है कि उन्होंने आपको एक रसीद में आपके नाम, इमोशन और सारी इन्फॉर्मेशन डाली, और डालने के बाद उन्होंने आपको पनिशमेंट का वह कागज़ आपको सौंप दिया, यानी उन्होंने आपको बुक कर दिया। तो बुक होने का मतलब है कि आप पनिश हो गए। तो इस तरह से इसका यूज़ बना, क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक। क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, ये हमने पैसिव वॉइस में बनाया है। अब इसमें क्या है, ब्रिंग की हमने थर्ड फॉर्म यहाँ ब्रॉट कर दी और ब्रॉट टू बुक हमने इसको यूज़ कर लिया। हमारा यूज़ हो गया क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक। इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर फोर, गो विदाउट सेइंग। गो विदाउट सेइंग का मतलब है टू बी क्लियर। इट मीन्स कि जैसे कि आप कभी बात करते हैं तो बात करते में कहते हैं कि अगर आप किसी की ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं, इतने श्योर होते हैं उसकी ईमानदारी के बारे में कि आप कहते हैं कि उसकी तो ईमानदारी में तो कोई शक ही नहीं है। इट मीन्स उसकी ईमानदारी तो बिना कोई बात कहे बिल्कुल निश्चित है। मीन्स अब हमारा जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था गो विदाउट सेइंग, जिसका मीनिंग है टू बी क्लियर, तो क्लियर को हम गो विदाउट सेइंग, यानी हम उसके ऊपर कोई भी कमेंट, हम उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वह क्लियर नहीं है, कि वह उसमें कोई कमी है। इट मीन्स उसकी ईमानदारी बिना कुछ कहे हमें माननी चाहिए, गो विदाउट सेइंग। तो हमारा जो यूजेज इसका बनता है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट आर कंट्री नीड्स ऑनेस्ट लीडर्स, अर्थात ऐसा कहने में कोई शक नहीं है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ ढका छुपा नहीं है। उसका मतलब होता है इट गोज विदाउट सेइंग मीन्स जो बात आपके सामने रखी जा रही है उसमें कोई शक, उसमें कोई संशय बनता ही नहीं है। तो इस तरह से इट गोज विदाउट सेइंग, इट मीन्स इसके बारे में अगर कोई कुछ कहे तो वह बात बिल्कुल भी उचित नहीं होगी, अर्थात निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है वह निश्चित है, ये साफ साफ क्लियर है। तो इसका यूज बनेगा इट गोज विदाउट सेइंग दैट आर कंट्री नीड्स ऑनेस्ट लीडर्स। इसके बाद आता है गिर्ड अप द लॉयंस। इसको लर्न करने में स्टूडेंट्स कई बार ग्रिड को ग्रिड कर देते हैं और लॉयंस को लायंस कर देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। गिर्ड अप द लॉयंस का मीनिंग है टू प्रिपेयर फॉर एक्शन। अब गिर्ड अप द लॉयंस को टू प्रिपेयर फॉर एक्शन से हमें रिलेट करना है। तो ऐसा आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है आस्तीन चढ़ा लेना। अब आस्तीन जब आप अप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं। आपने साउथ के लोगों को देखा होगा, जब वे किसी फाइट के लिए चलते हैं या किसी हार्ड लेबर के लिए चलते हैं तो वह सबसे पहले अपनी जो उनकी धोती, तहमत या लुंगी जो भी होता है उसको डबल फोल्ड करके बांधते हैं। इट मीन्स वो उसको दोहरा करके गिर्ड अप कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे टू प्रिपेयर फॉर एक्शन, कि वह काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपने स्लीव्स को फोल्ड करें, आस्तीन चढ़ाएं या धोती को ऊपर पलट कर ऊपर डबल करके बांधें अपने नीज के ऊपर,
तो आप काम के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का सेंस का कनेक्शन आप जोड़िए और इसका मीनिंग निकलता है टू प्रिपेयर फॉर एक्शन, ताकि आप उलझे ना। तो आपका यूजेज होगा द स्टूडेंट शुड गिड अप द लॉयंस फॉर एग्जाम, कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेसिकली हमारे हिंदी में इडियम है कमर कस लेनी चाहिए। इसके बाद हैंड एंड हैंड इन ग्लव विद, इसको हैंड एंड ग्लव विद भी कहते हैं। तो हैंड इन ग्लव, जब आपके हैंड्स आपके फिंगर्स ग्लव में होती हैं तो आप समझते हैं कि आपकी उंगलियां ग्लव के बहुत नज़दीक होती हैं। तो इसका मतलब है जैसा कि हाथ और ग्लव का रिश्ता है वैसे ही, तो वह बहुत नज़दीक का रिश्ता होता है, इसलिए इसका मीनिंग हुआ वेरी इंटीमेट, मीन्स वेरी क्लोज। तो आप कहेंगे ऑल द रिलीजन्स लिव हैंड इन ग्लव, देखिए यहाँ पर हमने एंड कर दिया है, जबकि ऊपर यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है इन, तो या तो आप ऊपर भी एंड करें या नीचे भी इन करें, तो यहाँ पर आपका जो ये एंड है ये आपका इन भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर जो आपका ये इन है यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं। तो जिस तरह का एग्जामिनेशन में आपको एडियम आता है उसी तरह का आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपके पास हैंड इन ग्लव विद है तो आपने हैंड इन ग्लव विद कर लिया वन अनदर फुल स्टॉप के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर हुआ हैंड इन ग्लव विद वेरी इंटीमेट, मीन्स भारत के अंदर जो सभी रिलीजन्स हैं वे बड़ी नज़दीकी और आपसी नज़दीकी के साथ रहते हैं, आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर नज़दीकी का सेंस याद करने के लिए आपको देखना होगा कि जिस तरह से जो है आपका हैंड और आपका ग्लव आपस में बिल्कुल एकजुट और बहुत एक साथ कनेक्ट होकर रहते हैं, तो वही रिलेशन इंटीमेसी में दिखाई देता है। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टास्क। अब इसे समझना है कि हम कैसे याद करें कि हार्ड नट टू क्रैक को डिफ़िकल्ट टास्क से कनेक्ट कर लें। देखिए जो हमारे नट्स होते हैं, आपने कभी अखरोट तोड़ा होगा तो कुछ अखरोट आसानी से टूट जाते हैं और कुछ अखरोट बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। तो हार्ड नट टू क्रैक यानी ये ऐसा अखरोट है जिसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, यानी मुश्किल काम है। तो सीधा सा रिलेट हो गया कि जो अखरोट फूट नहीं पा रहा है वह मुश्किल काम है, जो हो नहीं पा रहा है वह मुश्किल कार्य है। तो आप लिखेंगे यूपीएससी एग्जाम इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, यूपीएससी एग्जाम कोई ऐसा हार्ड नट नहीं है जिसको क्रैक करना मुश्किल हो। इसके बाद इन नट शेल, इन नट शेल का मतलब होता है नट के शेल में, ये जोड़ने के लिए अच्छा है। देखिए जब भी हम किसी इडियम को याद करें तो उस इडियम को सबसे पहले हमें किसी मीनिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। हमारे इन नट शेल इडियम का मीनिंग है इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में। अब इन ब्रीफ को इन नट शेल से कैसे जोड़ें, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपका मीनिंग है इन ब्रीफ, इसको आपको शेल से कनेक्ट करना होगा। तो आइए करते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज़ परोसी और आपने बहुत बड़े थाल में परोसी, तो वो बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर परोसी। अगर आप जो है किसी को पानी पिला रहे हैं और आप अखरोट के छिलके में, जो कि जिसे हम शेल कहते हैं, एक्चुअली शेल खोखला होता है, छिलका होता है, और जिसके अंदर से गिरी निकाल ली जाती है वो उसको शेल कहते हैं। जो बुलेट होती है, जो बंदूक की गोली होती है, उसके खाली खोखले को भी शेल कहते हैं। तो आप समझ लीजिए जब शेल में रखकर आप कोई चीज़ देंगे तो निश्चित रूप से वह बहुत कम होगी, अर्थात संक्षेप में होगी। तो प्लीज़ राइट योर आंसर इन नट शेल, मीन्स प्लीज़ शॉर्ट में आंसर लिखिए। आफ्टर दिस यू हैव नंबर 9, लीव इन लर्च, लर्च मीन झंझट, लीव मीन छोड़ देना। तो लीव इन लर्च का मतलब है किसी को मुसीबतों के बीच में छोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त एक किसी काम के लिए निकले, एक दोस्त बहुत सेल्फिश था, दूसरा दोस्त इनोसेंट था। तो उसने इनोसेंट फ्रेंड को क्या किया कि अपना काम निकाल करके वह उसको बीच परेशानी में छोड़ कर आ गया, और वह दोस्त जो सीधा था वो ये नहीं जानता कि कैसे उस काम को आगे अंजाम दे। तो किसी को बीच स्थिति में, बीच मझधार में छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। तो वही इसका भी अर्थ है लीव इन लर्च, यानी लीव समबडी इन डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों के दौर में किसी को बीच में छोड़ देना।
कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि पहले आपने उससे प्रॉमिस किया, जब उसने काम शुरू कर दिया तो आपने, मैंने या जो भी कोई पर्सन है उसने बीच में हेल्प देनी बंद कर दी, इस तरह से वो ना इधर का रहा ना उधर का, तो उस तरह की सिचुएशन होती है लीव इन लर्च। तो इसका यूजेज आप बना सकते हैं, वी शुड नॉट लीव एनीबॉडी इन लर्च। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम आपको ये लगातार बताते रहे हैं कि जब भी हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इन idioms का यूज़ करें तो जो आपको लगता है कि पॉजिटिव बातें हैं उनको आप शुड में यूज़ करें, जो नेगेटिव हैं उनको शुड नॉट में यूज़ करें। आपके सेंटेंसेस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और आप उसको छोटे छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस में ही बनाएं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करें, उनमें मिस्टेक्स होने की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इम्पेरेटिव बना सकते हैं, डू नॉट के साथ बना सकते हैं, और अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है तो आप इजी वे में अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10 के अंदर हमें दिया गया वर्ड है पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मीनिंग है फाइंड फॉल्ट। अब मीनिंग को, पहला काम है मीनिंग को हमें दिए गए idiom से कनेक्ट करना है। अब फाइंड करना फॉल्ट को कैसे कनेक्ट करें कि पिक होल्स को देखते ही याद आ जाए। देखिए, जब हम कोई चादर, बेडशीट या ब्लैंकेट खरीदते हैं तो हम उसे खोलकर ये देखते हैं कि कहीं उसके अंदर होल, कहीं कटा हुआ या कहीं धागा खींचा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर होल्स यानी पिक मिस, उठाना, ढूंढना, और होल्स इन किसी भी चीज़ में। तो जब आप किसी साफ चीज़ में होल्स ढूंढ रहे हो तो आप उसमें फाइंड फॉल्ट ढूंढ रहे हो, आप उसमें ढूंढ रहे हो कि क्या कमी है। तो अच्छे, अब क्या होता है कि किसी ने कोई अच्छा सा वर्क किया, अब आपको बहुत इंसल्ट लगी, आप जेलस हैं उनसे, तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे कि उसकी कहाँ पर जो है शॉर्ट कमिंग है, जहाँ कहाँ पर कमी है उसे ढूंढने लगेंगे। तो इस तरह से छेद ढूंढना मतलब खराबी ढूंढना, तो इसका मतलब है फाइंड फॉल्ट करना। तो हो जाएगा कनिंग पीपल पिक होल्स इन गुड डूअर्स, अच्छा काम करने वाले लोगों के कार्य में खराब लोग जो होते हैं वह पिक होल्स करते हैं। पॉकेट एन इंसल्ट, इसका मतलब है टू टॉलरेट एन इंसल्ट, सम्मान ना होना जो होता है इंसल्ट होता है, यानी बेइज्जती की स्थिति का सामना करना या अपमान सहन करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंसल्ट, जब आप इंसल्ट को पॉकेट में रखकर आप लाते हैं, इंसल्ट को झेलते हैं, तो यानी आपकी बेइज्जती हुई है, तो उसको सहन करना, अर्थात बेइज्जती सहन करना मतलब पॉकेट एन इंसल्ट। तो इस तरह से आप इसे याद कर पाएंगे। तो इसका अब यूज़ देखते हैं। इफ़ यू डू रॉन्ग यू विल पॉकेट एन इंसल्ट। निर्देश रूपी यह सेंटेंस है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंसल्ट उठाने वाले हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। इफ़ यू डू रॉन्ग यू विल पॉकेट एन इंसल्ट। इसके बाद आपका दूसरा idiom है प्रोज एंड कॉन्स। किसी भी idiom के आते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग है फॉर एंड अगेंस्ट। फिर दो नंबर पर आपको मीनिंग समझना है कि फॉर एंड अगेंस्ट क्या होता है। फॉर का मतलब होता है फेवर में और अगेंस्ट आप जानते हैं विरोध में। तो प्रोज एंड कॉन्स यानी किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड कहते हैं, दूसरी तरफ टैल कहते हैं, एक तरफ शेर, बकरी, अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग तरह से बोला जा सकता है। तो प्रोज अच्छा, कौनस बुरा, तो आप अच्छा बुरा मान सकते हैं। जैसे कि आपने अपने बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे को परख लो, समझ लो, अर्थात पक्ष और विपक्ष को समझ लो, मींस गुड रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट्स दोनों पर निगाह डाल लो। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस किया तो बिजनेस करने में आपके पक्ष और विपक्ष क्या होंगे कि फायदा और नुकसान, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी लेना प्रोज एंड कॉन्स है। आइए अब देखते हैं इसका यूसेज। बिफोर यू डिसाइड थिंक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर एक्शन। इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें आप उसकी अच्छाई और बुराई, उसका लाभ और उसका नुकसान दोनों देख लें। इसका दूसरा यूज भी हमने किया है एवरी टेक्नोलॉजी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, मीन्स हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, या चीज़ टेक्नोलॉजी है।
Now let's come to the question number 13, storm in a teacup. अब इसका मीनिंग है quarrel for nothing, quarrel on petty issues, तुच्छ चीज़ों पर बड़ी बहस, या छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनना, या छोटी सी बात पर तूफान आना और गुस्सा और ज़्यादा नुकसान करना. तो यहाँ पर आया storm, storm होता है तूफान, teacup मतलब छोटा बर्तन. भाई समुद्र में तूफान आए तो समझ में आता है, लेकिन चाय के एक छोटे से कप में अगर तूफान आ रहा है तो किसी छोटी सी बात का बड़ा बात बनाया जा रहा है, छोटी सी बात की बड़ी बात बनाई जा रही है. और इस तरह से क्या होता है कि ये कह सकते हैं आप कि इतना इश्यू नहीं था जितनी बड़ी बात बना दी गई, और इसमें बात का बतंगड़ बनाना भी हो सकता है इसका मीनिंग. और यहाँ पर छोटी छोटी तुच्छ बातों पर बहस करना और लड़ाई करना भी हो सकता है. तो आपका यूजेज बनेगा इट इज़ बैड टू रेज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. छोटी छोटी बातों पर बहस करना, लड़ाई करना बुरी बात होती है. नंबर 14, रोलिंग स्टोन. रोलिंग स्टोन को लेकर बहुत सारे मीनिंग्स निकल करके आते हैं. एक्चुअली ये जो मीनिंग्स होते हैं ये कोई वर्ड मीनिंग तो होते नहीं हैं, लोग अपनी समझ और अपनी राय से इनके मीनिंग्स निकालते हैं. कोई कुछ भी कहे, सबकी बातों में एक सेंस कॉमन होता है जो कि रोलिंग स्टोन से लिया गया सेंस या आशय होता है. अब आपने देखा होगा कि रोलिंग स्टोन, इसका मीनिंग लिखा है वांडरर. इट्स नॉट वंडर, वांडरर घूमने वाला. तो जैसे कि एक पत्थर है जो लुढ़कता रहता है, तो इसका मतलब पत्थर घूम रहा है, यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, जैसे कि एक घुमक्कड़ आदमी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है. तो एक जगह से दूसरी जगह वह घूमता रहता है, तो उसी तरह से पत्थर रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है. तो इसको कुछ लोग दल बदलू भी कहते हैं. हालांकि दल बदलू और टर्न कोड ज़्यादा अच्छा होता है. यहाँ पर रोलिंग स्टोन को दल बदलू अगर मानते हैं कि एक पत्थर पहले एक खाने में था, लुढ़क कर एक किलोमीटर आगे पहुँच गया दूसरे पॉइंट पर, तो वो वांडरर हो गया, दल बदलू हो गया. लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो सेंस है वो रोलिंग स्टोन होने पर वांडरर ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब है घुमक्कड़. तो आई डू नॉट लाइक टू बी अ रोलिंग स्टोन. मान लीजिए कि आप बार बार अपना काम बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं. कुछ लोगों की राय होती है कि आप लोग एक काम करें और एक ही काम को मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन. मैं एक लुढ़कते रहने वाला पत्थर नहीं बनना चाहता, मैं एक जगह रुक कर अपना वजूद बढ़ाना चाहता हूँ. तो इसलिए आप कह सकते हैं रोलिंग स्टोन, परिवर्तनशील, बदलते रहने वाला, अपने स्थान परिवर्तन करने वाला लगातार. तो आपका यूजेज हो जाएगा आई डू नॉट लाइक टू बी अ रोलिंग स्टोन. नेक्स्ट लेट्स कम टू 15, थ्रू थिक एंड थिन. मीनिंग है इसका इन और थ्रू ऑल सर्कमस्टांसिस, मतलब सभी स्थितियों में सहन करना, सभी स्थितियों में जीना, सभी स्थितियों को फेस करना. देखिए आपने सुना होगा कि जीवन में उतार और चढ़ाव लगातार आते हैं, तो ये जो थ्रू थिक एंड थिन है ये अप्स एंड डाउन्स हैं. थिक कभी आपको बहुत ज़्यादा, थिक मीन्स बटर क्रीम मलाई मिल रही है, और कभी थिन, कभी आप बहुत पतला दूध पी रहे हो, यानी कभी प्रॉस्पेरिटी है तो कभी पॉवर्टी है. तो इस तरह से अमीरी और गरीबी दोनों का हम सेंस लेते हैं अप्स एंड डाउन्स में. तो इस तरह से हमारे सामने मीनिंग निकल कर आता है थ्रू थिक एंड थिन. तो आप कहते हैं कि कभी तो थिक मीन्स, थिक का मतलब होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला. तो जब आपके पास नोटों की मोटी गड्डी होती है, कभी पतली गड्डी होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी प्रॉस्पेरिटी है, कभी समय अच्छा कट रहा है, कभी समय परेशानी का है. तो हम इसका यूज़ करेंगे वी शुड गो थ्रू थिक एंड थिन बोल्डली. हमें बहादुरी से अपने सुख और दुखों को जीना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16, विन लॉरल्स. विन लॉरल्स का मतलब होता है कि वाह वाही लूटना, प्रशंसा पाना, टू गेट फेम, टू बी फेमस, टू गेट प्रेज, तारीफ होना. तो विन मीन्स जीतना और लॉरल्स मीन्स वाह वाही, यानी सभी लोग लॉ से याद रख लीजिए लाफ, जब आप पर हंसें, आपके लिए क्लैपिंग करें, आपको चीयर अप करें, तो विन लॉरल्स. जब आपने बहुत ज़्यादा लॉरल्स जीती हों तो आप कहेंगे कि उसने बहुत ही ज़्यादा वाह वाही लूटी है. तो वाह वाह क्या होता है, जब आप कुछ अच्छा काम करके सफलता हासिल करते हैं. आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ऑलवेज वॉन लॉरल्स,
थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसी तरह से आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड कप कपिल देव वॉन लॉरल्स, तो वाह वाह ही लूटना, ये कपिल देव से अलग बहुत सारी पर्सनैलिटीज पर भी लागू हो सकता है। 17. ब्रेक द न्यूज, मतलब है इसका टू गिव द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। आपने टीवी चैनल्स पर न्यूज़ पर सुना होगा जब आप देखते हैं कि रेड कलर में नीचे बड़ा बड़ा बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ आता है ब्रेकिंग न्यूज़, देखिए फटाफट बड़ी खबर। तो जो हर चैनल ये क्लेम करता है कि यह खबर हम पहले आपको दे रहे हैं, हमसे पहले ये न्यूज़ किसी ने आपको नहीं सुनाई, यानी ये न्यूज़ हम पहली बार ब्रेक कर रहे हैं। आपने सुना होगा जब दिन निकलता है तो उसे हम डे ब्रेक कहते हैं, यानी शुरुआत। तो इसी तरह से द न्यूज़ की ब्रेक होना, शुरुआत होना। तो यहाँ पर जब आप लाइफ में सुनते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे यहाँ से ब्रेक मिला, इस फिल्म में इस हीरो को यहाँ से ब्रेक मिला, यानी शुरुआत हुई। तो उसी तरह से याद रख सकते हैं आप ब्रेक द न्यूज़, यानी टू गिव द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका यूजेज है सक्सेसफुल न्यूज़ चैनल्स ब्रेक द न्यूज़, यानी जो चैनल बड़े होते हैं वह सबसे पहले खबर लाते हैं, हालांकि कई बार छोटे चैनल्स भी लाते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है। इसके बाद है बाय डिंट ऑफ का मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है कि के आधार पर। के आधार पर का मतलब है कि आपने किसके बलबूते पर कुछ भी किया, तो बाय डिंट ऑफ के बलबूते पर। तो डिंट का मतलब होता है, आप याद रख सकते हैं आधार, तो आधार का मतलब आप डिंट को याद कर लीजिए बेसिस से, तो किसके बेसिस पर। अब डेंट को अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए डेंट। डेंट कहते हैं दांत को। अगर आप कोई चबाने वाली चीज़ खा रहे हैं तो किस पर खाएंगे, डेंट की बेस पर, नहीं तो आप नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह से डेंट हो गया आपके ईटिंग का बेस, तो बाय डेंट ऑफ मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये डेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको लर्न करने में ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से बाय डेंट ऑफ का मीनिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, और इस तरह से आपका यूजेज हुआ ही गॉट सक्सेस इन हिज एग्जाम्स बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसे अपने एग्जामिनेशन में सफलता उसकी हार्ड वर्क की वजह से मिली। तो स्टूडेंट्स यहां से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके इनके मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करेंगे, और अच्छे से लर्न करने में आप पहले ब्लैक इंक में लिखे गए सारे idioms को अच्छे से लिख लेंगे, और लिखने के बाद जब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि रेड कलर में दिए गए मीनिंग्स आपको अपने प्रैक्टिस में याद पूरी तरह से नहीं रह जाते। उसके बाद आप सेम एग्जाम्पल को कई बार रिपीट करें, सेम एग्जाम्पल को रिपीट करने से आपको याद करने में हेल्प मिलती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहते हैं। तो इस तरह के दूसरे और भी लेक्चर्स जो कि फ्यूचर में आपके पास आने वाले हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल ओडिसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी आप टच कीजिएगा, और ताकि नोटिफिकेशन आप उनके लगातार प्राप्त कर सकें कि कौन सा लेक्चर्स यहां से अपलोड कर दिया गया है। इन लेक्चर्स को अगर आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल हैं, और निश्चित रूप से यूज़फुल तो हैं ही, आपको लगता है अच्छे हैं, तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देन थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, Thanks for attending all our lectures. Thanks a lot.